हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस, आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, हमने भाग के शादी की है, ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, ये सरकारी नौकरी का चक्कर है। तो आप लोगों को आज सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा मेरी इसी वीडियो में। तो मैंने सोचा एग्जाम खत्म हो गए हैं और होली तक का भी थोड़ा माइंड भी अपना फ्रेश होना चाहिए, तो चलिए आज इस टॉपिक पर ही मैं वीडियो बना देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो यहीं से। सो गाइज, ये ऐसा टॉपिक था कि मैंने सोचा अकेले वीडियो नहीं बनाती हूँ, इन्हें भी साथ में ले लेती हूँ। तो मैंने ऐसे कहा ना कि 10 मिनट के लिए आ जाइए, फिर अपना पढ़ाई में लग जाइएगा। तो चलिए अब बताइए, हमारी शादी कैसे हुई? हमारी शादी अरेंज मैरिज हुई है। और ये पता है कौन थे? मेरे पापा के दोस्त के बेटे के दोस्त। मतलब ये था कि मेरे पापा के फ्रेंड थे, तो ऐसे जब तक किसी की जॉब नहीं लगती ना गवर्नमेंट, तब तक उसकी कोई वो नहीं रहती है, मतलब गलत मत लीजिएगा। तो जब पापा के दोस्त के बेटे की जॉब लगी, तो ये हुआ यार वो लड़के की जॉब लग गई, तो मेरी मम्मी ने ऐसे ही नॉर्मली इनसे पूछा, भैया आपके साथ में कोई कुर्मी लड़का है? हम चौधरी हैं, कुर्मी हैं, यूपी से। तो ये कहा गया कि कोई है, तो उन्होंने कहा हाँ एक लड़का है, उसका कॉर्पोरेशन बैंक में हो गया है। तो मम्मी कहीं कि ऐसे था ना कि स्टार्टिंग से ही कि शादी जब भी करेंगे तो जॉब वाले लड़के से करेंगे। इनके बारे में पता चला तो पापा मेरे गए इनको देखने, तब आप घर पे नहीं थे ना? नहीं, उस समय मैं ऑफिस में था, बैंक में था। हाँ, तो ये मेरठ में थे, है ना? हाँ, मेरी पोस्टिंग खतौली में थी। खतौली में, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में। फिर उस टाइम पे पापा इनसे तो नहीं मिले, बट इनके घर पे गए। तो ससुर जी मेरे बहुत ही अच्छे सीधे हैं, वो गवर्नमेंट टीचर हैं, और उनका भी सपना था कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरी बहू टीचर बन जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वैकेंसी नहीं आई। और सोचिए कितने सालों से वैकेंसी नहीं आई है। तो फिर पापा को इनकी फैमिली बहुत अच्छी लगी। और एक चीज़ और, जिसकी शादी फिक्स नहीं होती है ना, तो मेरा तो खैर पहली बार ही था कि पहली बार ही इनको देखने गए थे, ये पहला रिश्ता था मेरे लिए। और पता है क्या, उस टाइम शैलेंद्र पंडित जी आते थे, तो मेरी बड़ी मम्मी बड़ा देखती थी उनको। उन्होंने बताया था कि अगर आप किसी की शादी देखने जा रहे हो तो पीले कपड़े में हल्दी की एक गांठ रख लेना, टूटी फूटी गांठ ना हो, पूरी सही वाली गांठ हो, और उसको पर्स में जेब में रख के फिर जाना लड़कों के यहाँ, तो शादी तय हो जाएगी। तो ये हम लोग थोड़ा मानते हैं, तो हम लोगों ने करा, मतलब पापा लेके चले गए। उस टाइम तो मेरे ग्रेजुएशन के एग्जाम चल रहे थे, तो मुझे पता भी नहीं था कि पापा गया लड़का देखने। फिर वहाँ पे पसंद आ गया फैमिली वगैरह, फिर ये हुआ कि चलो अब जब लड़का छुट्टी पे आएगा घर तो वो आएंगे हमको देखने। उसके पहले ससुर जी आए थे देखने अपनी पूरी फैमिली के साथ, तो उन्होंने कहा, और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, मैं क्या करूँ, उस टाइम बहुत छोटे थे हम। तो ये था कि चलो पहाड़ा वगैरह याद कर लो, टेबल क्या ही पूछेंगे, और यही सब पूछेंगे। तो मैं अपना अंदर से डरी हुई थी, बट ज़्यादा कुछ तो पूछा ही नहीं पापा जी ने, बस थोड़ा बहुत ही पूछा कैसे हो, क्या अपना हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन का परसेंटेज पूछा, ग्रेजुएशन तो चल ही रहा था बस। उसके बाद फिर जब ये दोबारा आए थे तब मुझे देखने आए थे, है ना? फिर क्या हुआ था? जब मैं बैंक से आया था, बैंक से छुट्टी आया था, घर पे मुंडन था हमारे, घर पे गांव पे फंक्शन था, तो उसमें घर पे रिलेटिव भी आए हुए थे। हमने कहा चलो मौका अच्छा है, एक दिन की छुट्टी है, देख आते हैं। फिर वही हम गए देखने, फिर वहाँ देखने के बाद हमने कहा चलो ठीक है। तब भी कोई डिसीजन नहीं हुआ था कि शादी करनी है नहीं करनी है। पता क्या, वही आए मेरे घर ऐसे सीधे साधे लड़के की तरह बैठे हुए थे, तो मुझे भी नहीं पता था कि भैया ये इतने तेज निकलेंगे ऐसे। हाँ, तो बुड्ढे की तरह बैठे रहते एकदम ऐसे सीधे बैठे हुए थे, और हम भी गए डरते डरते, सब लोग साथ ही में थे। तो पूछा गया कि आप लोग जाइए अकेले में बात कर लीजिए, मैंने कहा भैया अकेले नहीं जाएंगे। फिर हम सब फैमिली लोग थे, अरेंज मैरिज थी पूरी पूरी, तो मम्मी पापा सभी लोग साथ में बैठे थे। फिर इन्होंने सबके सामने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, क्या पूछे थे? क्या पूछा था कि आगे तैयारी करोगी नहीं करोगी? हमने कहा था कि नौकरी मिले ना मिले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें गांव में रहना है, एडजस्ट कर सकती हो नहीं कर सकती हो, क्योंकि हाँ। मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने यही पूछा था कि मान लीजिए 2-4 दिन रहना हो, क्योंकि मेरी जॉब है, मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए कि घर में 2-4 दिन रुकना हो तो रह सकती हो नहीं रह सकती हो, क्योंकि हम पूरा प्रॉपर एकदम शहर के थे और गांव में कभी घूमने जाता हूँ उतना था कि जब गांव जा रहे हैं तो बस घूमने के लिए 2-4 दिन गए, ससुराल का कुछ ऐसा था नहीं, तभी मैंने पहले यही पूछा। और शादी के लिए मैंने ये भी पूछा था कि मैं पसंद हूँ कि नहीं पसंद हूँ, मतलब उस समय ये कुछ नहीं बोली। बाद में देखो बहुत सारे कमेंट्स क्या आया, मतलब लड़कियों की फीलिंग्स होती है कि ये वो, मतलब लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी लड़का हो, गवर्नमेंट जॉब में हो या ना हो, लेकिन उसका नेचर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है और पैसा है भी कुछ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैसे भी लड़के से शादी कर लो, लेकिन ये है कि अंडरस्टैंडिंग दोनों के अंदर होनी चाहिए,
और पति पत्नी दोनों को समझना चाहिए, दोनों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये देखिए एक जीवन के ना दो पहलू हैं, जैसे एक बाइक या साइकिल के दो पहिए हैं, एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे ही पति पत्नी का रिश्ता भी होता है, तो इसीलिए दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, और किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं उनसे सुपीरियर हूँ या मैं उनसे ऐसे, तो इसलिए है। और रही बात हमारी शादी की, तो साथ में होके सब कुछ चलना चाहिए इंसान को, हस्बैंड वाइफ जैसे भी हो आप लोग। हमारी शादी में सबसे मजेदार बात थी कि मम्मी हमसे पूछती थी लड़का पसंद है, तो अब क्या ही बोलना लड़का पसंद है कि नहीं पसंद है, मैंने कहा मम्मी आपकी मर्जी। तो मेरी मम्मी इनको बहुत ज़्यादा मानती हैं, तो बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हीं की पसंद थी ये कि चलो मैंने शादी कर ली। और मेरे साथ की भी जो लड़कियाँ थी उनके लिए अगर रिश्ता वगैरह आता था तो वो लोग रिजेक्ट कर देती थी, पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि किस बेस पे आप रिजेक्ट करते हो, पहले खुद को देखो कि आप हो क्या, उसके बाद जैसे आप जिस लेवल पे उस लेवल से शादी करो। ऐसा नहीं है कि आप इंसान नहीं देख रहे हो, बस उसके लुक्स को देखो या जॉब को देखो, सब कुछ देखना चाहिए इंसान को। तो मेरे अंदर से एक बात थी कि अगर हम मना कर रहे हैं शादी को कि मुझे नहीं करना, तो किस बेस पे मना कर रहे, क्योंकि मैं उस टाइम ग्रेजुएशन में थी और इनके पास एक ये भी था कि जॉब है, प्लस लड़का बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, मतलब अपने घर की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। तो बस किस बेस पे कोई इंसान किसी को रिजेक्ट कर सकता है, ये नहीं समझ में आता है। हाँ वो बुरा है, दारू पीता है या पान मसाला खाता है, तो आप उसे रिजेक्ट कर दो, मैं नहीं कहती, बट किसी भी लड़के को या किसी भी लड़की को आप देखने जा रहे हो और रिजेक्ट करने से पहले सबसे पहले ये सोचो कि हम क्या हैं। तो मम्मी मुझसे यही पूछती थी, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आता था कि यार हम किस बेस पे रिजेक्ट करें भाई, क्यों करें। तो जहाँ जोड़ियाँ होती हैं वहाँ तो हो ही जाती है। और एक चीज, मेरी बड़ी मम्मी इनके एकदम जस्ट बगल में बैठी थी, तो बड़ी मम्मी ने इनके दांत देखे, हंसी तो बड़ी मम्मी ने दांत देखे, बोलती कि लड़का तो बहुत सही, मसाला बिल्कुल नहीं खाता। और यूपी में सबसे बड़ी समस्या होती है अगर लड़का दारू पीता है या पान मसाला खाता है, नशा। नशा तो हर जगह है, बट हमारे यहाँ ये कि आप दो रोटी कम खाओ पर नशेड़ी के साथ शादी नहीं होगी। तो बड़ी मम्मी इस बात से बहुत खुश थी कि चलो अगर दांतों में लगे नहीं रहते मसाले के, तो वो बड़ी मम्मी देख रही थी कि नहीं है। तो ये चीज भी था कि हाँ लड़का अच्छा है। प्लस हमारी शादी के बाद मम्मी ने उस टाइम पे ही नंबर इनसे मांगा, क्या कह रहे मुझे तो बात नहीं करनी शादी से पहले। अब भैया हम देख रहे जो हमारे यहाँ काम करने वाली होती थी या कोई भी शादी तय होते ही शुरू, चार चार घंटे कोई छत पे खड़ा बतिया रहा है तो कोई कहीं बतिया रहा। अब भैया ये तो कह दिए कि हमें बात ही नहीं करनी। हमने सोचो यार ऐसा कौन सा लड़का है शादी से पहले बात करने से मना कर दिया, क्यों मना कर रहे थे आप बताइए। देखिए बात ये है ना कि शादी दो परिवारों के बीच में होती है, और परिवार हमें नहीं चाहते थे कि शादी से पहले हम बात करें, और जैसे आपके पापा अगर तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि हमारी लड़की कहीं बात नहीं कर सकती, तो उनकी जानकारी में ना रह के बात करें, तो इसलिए क्योंकि पापा को पसंद नहीं था शायद। हाँ। तो इसलिए हमने सोचा कि शादी के बाद जब एंगेजमेंट हो जाएगी तभी शादी सॉरी बात करेंगे, तो इसलिए हमने मना कर दिया था। मैं पापा को ये सब नहीं पसंद है, लड़कियां ये करें वो करें, मतलब स्ट्रिक्ट भी नहीं है पापा मेरे, बट आज तक उन्होंने हम लोगों को लेके कभी कोई शिकायत नहीं सुनी। और जैसे नहीं, और मेरा ये भी कहना है कि जो ये चार घंटे बात करते हैं, बाबू मेरा बाबू खाना खाया, मेरा सोना खाना खाया, ये देखिए मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ। रिलेशन अच्छा होना चाहिए, मेरे दोस्त भी थे मेरे साथ भी, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरे भी कई सारे रिश्ते आए थे और मैंने खुद जाके मतलब नहीं करना था शादी, तो मैंने मना किया था। तो अब देखिए शादी होती है लिखा हुआ, भगवान कहते हैं ना ऊपर जोड़ी ऊपर से, क्योंकि इनके साथ भी शादी मेरी फिक्स नहीं, मतलब ये नहीं था कि मुझे करना ही है। हाँ, वो बाय लक मेरे पापा बीमार हो गए, मुझे उनको एडमिट कराना पड़ा सहारा में, और उसके बाद इनके पापा वहाँ देखने गए, तो ऐसा कुछ सिचुएशन बनती गई, फिर प्रेशर आता गया कि भाई वो इतना केयर कर रहे हैं इतना तो कर लो। हमने भी सोचा चलो ठीक है, क्योंकि मदर थी नहीं तो पापा भी बीमार हो गए, तो ये था कि शादी करनी ही करनी है, तो इसलिए जरूरी हो गया था। तो हमने जरूरी क्या गया थी, अच्छी लड़की पाते हैं कभी, चलो ठीक है अच्छी है, पाना ना पाना वो तो किस्मत की बात है, और आराम से देखिए शादी हो रही है आपके साथ ही रहना है, तो शादी से पहले उसका भी टाइम बर्बाद करो अपना भी टाइम बर्बाद करो। हाँ अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, दोनों को समझ के शादी करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कहीं भी ढकेल दिया जाए आप शादी कर लो, क्योंकि आजकल तो दुनिया इतनी एडवांस हो गई है,
तो इसलिए हम मैं यही कहूंगा शादी को लेके कि शादी चाहे लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, बट एक दूसरे को समझो पहले। अगर नहीं समझ में आता है तो किसी के जबरदस्ती शादी मत करो, क्योंकि ये और देखिए पूरी सबसे बड़ी चीज रिस्पेक्ट होनी चाहिए रिश्ते में। आपको पता है जब हम लोग इंगेजमेंट के बाद से बात करना स्टार्ट कर रहे थे, और फिर अक्टूबर में इंगेजमेंट हुई थी ना, और फिर मार्च में हमारी शादी हुई थी, और उसके पहले से 2 साल से 2016 से हम लोगों का चल रहा था कि शादी होगी, बट हम लोगों ने कभी बात नहीं की, कभी मिले नहीं, पूरी पूरी अरेंज मैरिज। और ऐसे मुझे लगता था यार मम्मी ने तो मुझे भगा दिया घर की सबसे बड़ी लड़की, और इसीलिए इतनी कम एज पे शादी भी हो गई, क्योंकि मेरे बाद मेरी बहन प्लस मेरे चाचा की भी 2 लड़कियां हैं, तो अभी सभी की शादी करनी है, और अभी देखिए किसी की भी नहीं हुई है, सिर्फ मेरे में ही सबको इतनी जल्दी पड़ी थी। तो मम्मी से तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे ही भगा दिया, अब गोल्डी की शादी नहीं कर रही हो। तो मेरी मम्मी शादी करना चाहती हैं गोल्डी की अपने लोकल एरिया में ही, कि कोई अच्छा लड़का हो, इसलिए नहीं कर रही, क्योंकि हम लोग काफी दूर आ गए हैं ना घर से, थोड़ा ये लगता है। शादी को लेके एक चीज और कहूंगा कि जो भी लड़की या लड़के जो भी देख रहे हो, तो मैं कहूंगा देखिए शादी किसी की फैमिली करती है तो अच्छा समझ के ही करती है। बिल्कुल वो नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की लाइफ खराब हो या मेरे बच्चे परेशान हो, तो उनकी भी इच्छाओं की कदर करिए आप लोग, उनको भी समझिए। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप अपनी बात रख सकते हो, लेकिन एक ऐसा एज होता है ना कि इस एज में आप लोग मतलब कि मेरे आगे कोई कुछ नहीं है ये वो, तो ऐसा मत करिए। क्योंकि देखिए शादी पूरी लाइफ चलनी है, और जो हमारे मन से विचार आते हैं कि वो बहुत अच्छा लड़का है, आपने 10 दिन किसी को जाना बस वो आपके लिए सब कुछ हो गया, और आपके मम्मी पापा जो आपको पाल रहे हैं वो आपके लिए कुछ नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग सोच समझ के डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये 10 दिन की वो होता नहीं, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात वाली, क्योंकि आज अच्छा है कल को क्या हो किसी ने नहीं देखा है। तो इसलिए सोच समझ के शादी करो या जीवन साथी चुनो, क्योंकि जिंदगी भर वही साथ देगा। और ये एक बार शादी, देखिए शादी बार बार नहीं होती है, इसलिए शादी एक बार करो, अच्छी करो, नो हाँ, डाउट। इससे मुझे याद आया, शादी एक बार होती है, और अपने दिल के जितने भी अरमान है सब पूरे करने चाहिए उस शादी में। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ अरमान ही वैसे नहीं थे, बस ये थे कि शादी हो रही है तो हो रही है। अब अगर दूसरों की शादी देखो तो ऐसे फीलिंग आती है यार हमें भी ये करना चाहिए था। तो अब जब मेरी सिस्टर की शादी होगी तो सारे अरमान पूरे करेंगे, ये तो मैंने सोच के ऐसा रखा है। देखिए ये तो लड़की हो या लड़का एम्बिशियस बहुत होते हैं, मैं भी सोचता हूँ मैं IAS बन जाऊँ, प्रधानमंत्री बन जाऊँ, ये कोई बात नहीं है। और रही बात पूरा करने की शादी है, कि देखिए शादी का मतलब ये नहीं होता कि आप शो ऑफ करो पूरा कि मैंने ये किया वो किया। आप वो फिल्मी दुनिया रील देख के आप उसको रियल लाइफ में मत लाओ, क्योंकि बिल्कुल रियल लाइफ में आपको कैसे जीना है खुशी होनी चाहिए। वो रील्स देखोगे अगर आप वो रील वो ना बॉलीवुड में अगर आप वो इतना मेहनत करते हैं और वहां की दुनिया देख लो चकाचौंध से भरी हुई है, तो आपको खुशी चाहिए, आप अंदर से खुशी और ढूंढो। ऐसा नहीं कि हम लोग की लड़ाई नहीं होती। आप लोग बोलते परफेक्ट कपल हो, लड़ाई होती है, हमारी रोज लड़ाई होती है, मॉर्निंग में भी लड़ाई होती है, ऐसे इतनी लड़ाई होती है कि पूछिए मत। बट ये है कि लड़ने के बाद फिर मैं मना लेती हूँ इनको, क्योंकि ये तो मुझे कभी मनाते नहीं है। मना देखिए मेरा मनाना नहीं, पति पत्नी में लड़ाई तो देखो लड़ाई झगड़ा तो एक आम बात है, क्योंकि जहाँ लड़ाई है वहीं प्यार है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों में, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और लड़का तो अगर ठीक ठाक है तो भाई वो कितना रिस्पॉन्सिबल होता है वो तो लड़कियां समझ सकती हैं, क्योंकि उसको ना वो तो सैंडविच एक ऐसे कि उसको अपना घर भी देखना होता है, ससुराल भी देखना होता है, प्लस लड़की को भी देखना होता है, क्योंकि उसकी इच्छाओं की पूर्ति करना। और लड़कियां, मैं ये नहीं कि सभी लड़कियों की बात नहीं करता, लेकिन लड़कियों के आते ही ये करना है वो करना है, बहुत सारे घर टूट जाते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि क्यों भाई किसी, आप बताओ आप अपने घर में आए हो, अगर आपके घर में यही चीज हो तो दूसरे के घर में क्या होगा। तो इसलिए इन चीज़ों को नहीं मतलब आप लोग ज़्यादा अवॉइड, थोड़ा सा अगर मन मुटाव है भी तो उसको अवॉइड करो और एक दूसरे से खुल के बात करो, बात क्योंकि रखनी रहना तो चाहिए। जिंदगी भर उन्हीं के साथ में, और और इस चीज अगर को अपने माइंड में ना बना के रखना चाहिए इंसान को, कि फिर और लड़ने से अगर क्या। और अगर किसी को गुस्सा है तो एक लोग शांत हो जाओ, अपने आप ही झगड़ा खत्म हो इनको जाएगा। गुस्सा आता है, मुझे मुझे गुस्सा गुस्सा आता नहीं है, अगर गुस्सा आता है तब आता है, तब फिर मुझे ना बहुत फिर तेज इतना गुस्सा भयानक आता है, गुस्सा आता है कि पूछो लेकिन मत। रेयर में कहीं ना 100 में 1% गुस्सा आता है, वैसे ओहो मुझे गुस्सा आता बड़े नहीं है। शरीफ शरीफ हो। नहीं, देखिए मैं भी समझ रहा हूँ। मुझे क्या है, मुझे गुस्सा आता है ना तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आता है, इतना मतलब 1 मिनट के लिए आएगा, और मुझे कुछ नहीं समझ में आता कि मैंने क्या बोला है क्या किया है। उसके बाद तुरंत गुस्सा खत्म, फिर रोना गाना शुरू हो जाता है, लग जाता है कि मैंने गलत किया है। तो ज्यादा देर तक मैं गुस्सा नहीं करती, बट ये करते हैं गुस्सा, लंबा चलता है इनका गुस्सा। और फ्रेंड्स
अभी तो मेरा पेपर है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, बट पेपर होने के बाद इस पे फुल वीडियो आपको बना के बताएंगे कि मेरी जर्नी कैसी थी, मैंने बिल्कुल कैसे तैयारी की, कहाँ से निकल के फिर मेरी शादी कैसे फिक्स हुई, कहाँ से ये मिली मुझे, कहाँ से बात बढ़ी आगे, कैसे कैसे हमने शादी क्योंकि अभी के टाइम भी कौन थोड़ा कम कौन, है। तो इसलिए अभी टाइम कम है, फिर पूरा मतलब डिटेल में आपको प्रॉपर बताएंगे। कमेंट्स आप कर सकते हो जो भी क्वेश्चन हो। लाइव आए तो हम लाइव भी आएंगे जल्द ही, एग्जाम खत्म हो जाए, इनका 6 तारीख को है उसके बाद में। और जब इन्होंने मुझे पहली बार डांटा था तो मुझे ऐसे इतना रोना आया, मुझे लगा कोई लड़का किसी लड़की को कैसे डांट सकता है, क्योंकि क्लास में कोचिंग में तो बड़ा भकाल रहता था हम लोगों का, कोई ऐसे बोल देता नहीं था, तो उस टाइम पे मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर धीरे धीरे ना वो चीज आदत हो जाती है, एक कान से सुनने की दूसरे कान से निकालने की। 5 साल तो हो ही गए शादी को सुनते सुनाते, स्टार्टिंग में बहुत लगता था कि यार आज डांट खा गए हम, यार आज हमारी लड़ाई होगी। अब लगता है चलो हो गई लड़ाई, काम खत्म, फिर हो जाएगी सुलह, बात ही खत्म है। देखिए पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा है कि इसमें नोक झोंक होनी चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि जितनी नोक झोंक होगी उतना ही प्यार बढ़ेगा। लेकिन बस यही है कि हद से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आज का एक जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जहाँ मैं पंजाब में या कहीं पे भी मैं देख रहा हूँ, पूरे मतलब आजकल लड़कियाँ लड़के इतने एडवांस हो गए हैं कि ना उनको शादी में मतलब इतना डाइवोर्स के केस बढ़ गए हैं। तो इसलिए आप लोग भी जो यंग जनरेशन है, तो वो लोग अपना ना सोच समझ के शादी करो, और किसी के माँ बाप को भी हर्ट मत करो, जो भी लड़की है या लड़का है। अगर आपको पसंद नहीं है तो पहले ही रिजेक्ट मना कर दो, क्योंकि बाकी शादी होने के बाद अगर आप मना करते हो तो उसकी देखिए सोशल में कितनी मतलब सामाजिक बुराइयां होती हैं, उसकी बदनामी होती क्योंकि जब है। भी किसी का तो तलाक होता है तो वो सिर्फ लड़की की बेइज्जती नहीं होती, कहीं ना कहीं लड़के वाले भी दोनों शर्मसार होते फैमिली की हैं। बदनामी होती है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जहाँ भी जिसकी भी शादी होने वाली हो, एक दूसरे को समझ के शादी करो। अगर आप लोगों को लगता है कि एक दूसरे का साथ पूरी ज़िंदगी दे सकते हो तभी शादी करिए, वरना आप किसी के ये नहीं कि एडजस्ट करने की बात मत करिए, नहीं कि उनके प्रेशर में शादी कर लिया, क्योंकि और शादी अब किसी तो वो के जमाना भी नहीं रह गया ना कि शादी बिना देखे लड़की को हो रही है, आप देखो समझो अच्छे से, टाइम दो अपने रिश्ते को, फिर शादी करो। तो क्योंकि शादी एक ऐसा सुखद अनुभव है ना, कि इसके बारे में कहावत है, जो खाए वो लड्डू है, एक जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। आपका अनुभव और कैसा रियल रहा, में सुखद या नहीं, दुखद? रियल में शादी एक बहुत अच्छी चीज़ है भाई। मैं तो ये विश्वास करता हूँ शादी सबको करनी चाहिए, क्योंकि शादी देखिए आपकी लाइफ अभी यंग हो तो पता नहीं चलती, धीरे धीरे जब आप और एज बढ़ती है आपकी तब फील होता है कि हाँ कोई साथ में ऐसा होना चाहिए जिससे मैं अपनी दिल की बात शेयर कर सकूँ। तो इसलिए शादी तो बहुत अच्छी है, बट अब यही है कि किसी कोई कोई अच्छा होता है, कोई कोई खराब मिल जाता है जिसकी शादी मतलब नहीं टिकती है। तो इसीलिए आप लोग सोच समझ के शादी करना। सो गाइस अभी इनको जाने देते हैं और इसके साथ ही ये वीडियो खत्म करते हैं। मिलती हूँ आपसे कल अपनी अगली वीडियो में, और थोड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगी। और बाकी आप लोग अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे, मैं सभी के कमेंट के रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाय गाइस।